दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि मोदी शाह चुनाव आयोग की मिलीभगत की पोल खुल गई है। मध्य प्रदेश के बिना बाजार में बिना नंबर के स्कूल गाड़ी और 3 बेलोरो जीप में सैकड़ों ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखते हुए पकड़े गए थे। आज गिनती होने के बाद गड़बड़ी का पता चल रहा है, मगर इसके बारे में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तभी तो मोदी शाह डंके की चोट पर कहते हैं कि सरकार हमारी ही बनेगी, क्योंकि चुनाव आयोग और मोदी शाह ने मिलकर ईवीएम में बहुत बड़ा झोल किया। इसकी जांच आज गिनती खत्म होते ही मोदी के खिलाफ किया जाएगा। अगर मोदी फंसे तो शपथ ग्रहण से पहले मोदी सरकार को जेल जाना होगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि जनता को पता चल सके कि मोदी की असलियत क्या है और लोकतंत्र बच सके।